जीवन बर्बाद कर दिया भैया, हमको चला दिया, इसका माए बाप बहन बन नहीं देखे, हमारा हालत देखिए भैया, देखिए हालत। भागलपुर समाहरणालय परिसर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब महिला हेल्पलाइन में समझौता कराने आई एक महिला के मायके वाले और ससुराल वाले आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल 31 मई 2010 को मिर्जान हाट निवासी सुष्मिता भारती की शादी ततारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी के राजीव कुमार पांडे से पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन सुष्मिता भारती के अनुसार शादी के बाद से ही उनके पति सास ससुर और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच सुष्मिता एक बच्ची की मां बन गई। लड़की होने के बाद ससुराल वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही दहेज देने के लिए भी सुष्मिता के पिता पर दबाव बनाया जाने लगा। हमारी शादी 31 मई 2010 को हुई थी। हमारी शादी को 10 साल हो गया। जब से हमारी शादी हुई है और हमारी बच्ची हुई है तब से हमारी सास, हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर कोई हमको देखना ही नहीं चाहता। हमारी बच्ची के साथ भी गंदा और गलत व्यवहार करता है। वो लोग पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं हम, और हमारे मायके वाले से भी दहेज का भी डिमांड बहुत करते हैं। हमारे पापा बहुत बार थोस्ताम करवाए हैं, उनको कुछ पैसा भी दिए हैं, उनको बहुत सारा सामान भी दिए हैं हमको जो घरेलू यूज़ के लिए होता है। हमारे पास जेवर गहना जो भी है सब कुछ हमारा वहीं है लाल कोठी में। वो 28 नवंबर 2019 को इन लोगों ने ना मिट्टी तेल छिड़क के हमको मारने का कोशिश किया। क्यों? ऐसे घर के झगड़े में। और हमारे नंदोसी चाहते थे कि लाल कोठी का जो 5 तल्ले का मकान है वो उनके नाम पे हो जाए। इस बात से वो हमेशा हमसे झगड़ा करते थे। उस दिन काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था इस बात को लेकर के। और हम बोले थे कि वो लोग हमको बोल रहे थे तुम घर से निकलो, कहीं दूसरे जगह जाके रहो, लेकिन हम घर से नहीं निकले। इसी कारण हमको मार के जला के मारने का कोशिश किया। केस भी हुआ था? हाँ, केस हुआ, पुलिस केस हुआ था। क्या हुआ था उसमें? पुलिस केस हुआ, लेकिन ये लोग, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था इसलिए हमारे घर के लोग ध्यान नहीं दे पाए और ये लोग बेल करा लिए। आज कहाँ है? और कोविड-19 के कारण ना मेरे हस्बैंड का भी बेल पटना से हो गया। आज कहाँ है मैडम? आज हम समझौता के लिए पिछले सप्ताह इनके पास यहाँ एक एप्लीकेशन दिए थे कि हमारे पति से हमारा समझौता करा दीजिए और हमारा जो भी लाल कोठी में सामान है, हमारी बच्ची का जो भी चीज़ है वो सब हमको दिलवा दीजिए। हमारा जेवर भी है बहुत सारा, तो ये बुलाई थी समझौता के लिए लेकिन वो नहीं माने। क्या हुआ यहाँ? यहाँ तो ये बहुत अच्छे से समझाई, हम कंप्रोमाइज़ का बात भी रखे, हमको लिखित में मेंटेनेंस दीजिए, हम केस कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। यहाँ भी मारपीट हुआ? नहीं, यहाँ ये अंदर में मारपीट नहीं किए, ये अंदर में हाइपर हुए थे लेकिन मारपीट अंदर में नहीं किए। बाहर में जब हम बातचीत करें तो बाहर में हमारी सास हिंदू देवी, वो हमारी भाभी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही थी, बहुत गलत तरीके से पेश आ रही थी। तो हमारे भाई गए और हमारी भाभी से पूछ रहे थे कि क्या बात है, इतने में मेरे हस्बैंड उनके ऊपर हाथ उठा दिए। क्या नाम है आपका हस्बैंड? राजीव कुमार पांडे। आपका क्या नाम? सुष्मिता भारती। घर कहाँ हुआ? लाल कोठी। ससुराल? ससुराल ही लाल कोठी है। घर हमारा मम्मी के पास रह रहे पिछले 1 साल से मिर्जान हाट में। मिर्जान हाट?